आपने बहुत सारी इलेक्ट्रिक साइकिल्स देखी होंगी, और जितनी भी इलेक्ट्रिक साइकिल्स इस समय भारत में बिक रही है उनमें से ज़्यादातर या फिर 90 या 95% साइकिल मेड इन चाइना है, और मेड इन चाइना होने की वजह से उनकी जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा होती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात होती है कि उनकी ना तो कोई गारंटी होती है ना ही कोई वारंटी होती है। आज मैं जिस साइकिल के पास खड़ा हूँ, इस साइकिल को आप गौर से देखें तो काफ़ी दमदार ये साइकिल बनाई गई है। मैं कैमरामैन से बोलूँगा, थोड़ा नज़दीक से इसे दिखाएं एक बार। काफ़ी दमदार ये साइकिल बनाई गई है। इसमें जो अगर आप देखेंगे इसका टायर्स, अगर इसके देखें, इसका पूरा फ्रेम अगर आप देखें गौर से, तो इतना हैवी फ्रेम्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शायद चाइनीज़ साइकिलों में इतना हैवी फ्रेम नहीं आता। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरी साइकिल मेड इन इंडिया है, भारत में बनाई गई पूरी साइकिल है, और एक स्टूडेंट के द्वारा बनाई गई पूरी साइकिल है। एक इंजीनियर के स्टूडेंट ने इतनी बेहतरीन ये साइकिल बना दी है कि जिसकी डिमांड मार्केट में लगातार बढ़ती जा रही है। इनकी साइकिल का एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा था, और उसी वायरल वीडियो को देखने के बाद मैं इनके पास आया, इनकी तलाश की, और आज इस साइकिल के पास मैं खड़ा हूँ। और इसी साइकिल का आज मैं पूरी डिटेल आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि ये साइकिल सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि कम कीमत में है और ज़्यादा चलने वाली साइकिल है, और करीब करीब 40 से 50 साल तक आसानी से साइकिल चल सकती है। केवल इसमें जब भी 4 या 5 साल या 6 साल में बैटरी बदलने की आवश्यकता हो तो उस समय बैटरी इसकी बदली जा सकती है। बाकी इनकी जुबानी हम सुनना चाहेंगे। नाम क्या है भैया अपना? मेरा नाम सिद्धार्थ अग्रवाल है। पढ़ाई कितनी की आपने? सर मेरी पढ़ाई अभी चल रही है, 3rd ईयर बीटेक स्टूडेंट हूँ मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। अच्छा, हमने सुना था, एक वीडियो देखा था आपका जो वायरल वीडियो हो रहा था, उसमें बताया गया था कि केवल 2000 रुपये से आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया था। सर मैं जब अपना 10 साल की उम्र थी मेरी, तो जब से ही मैंने बिज़नेस स्टार्ट कर दिया था अपना, कुछ ना कुछ साइकिल, इलेक्ट्रिक साइकिल 7 साल पहले मैंने अपनी डेवलप कर ली थी अपना, उसके साथ ही साथ ड्रोन बैटरी, लिथियम बैटरी, इन सब की जानकारी लेना मैंने स्टार्ट कर दी थी 7 साल पहले। कुल मिलाकर टेक्निकल हो आप शुरू से, आपको जो माइंड है वो टेक्निकली काम कर रहा है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा, अभी साइकिल के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि साइकिल की हमें खास बात क्या है? सर इसकी खास जो बात है, उसकी पहली तो चीज़ है लुक, हैवीनेस, ड्यूरेबिलिटी एंड प्राइस। मेन प्रॉब्लम जो आती है इलेक्ट्रिक साइकिल में वो है कॉस्टिंग। हर कोई ले ही नहीं पाता, वो सोचता है स्कूटी ले लेते हैं, इलेक्ट्रिक साइकिल के रेट में तो स्कूटी मिल रही है तो स्कूटी ले लेते हैं। सर आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जो स्कूटी के रेट है वही आजकल इलेक्ट्रिक साइकिल का रेट है। अब समस्या ये है कि वो साइकिल चाइना से इम्पोर्ट की जा रही है, अगर चाइना से इम्पोर्ट होकर आ रही हैं तो जाहिर सी बात है रेट तो उनका बढ़ेगा, लेकिन जैसे आपकी मेड इन इंडिया है तो रेट कितना कम है सर इसका? सर जो हमारा कॉस्टिंग रहेगा अपना, इसको हम चीपेस्ट निकाल रहे हैं और बेस्ट क्वालिटी में, तो इसका कॉस्टिंग हमने निकाली है 20,000 जो हमें कस्टमर को देंगे अपना, और ये बेस्ट क्वालिटी में रहेगा अपना, बेस्ट ड्यूरेबल इसका जो फ्रेम है इसके अंदर ही हमारे सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स रहेंगे, और जैसे कि आप देख सकते हैं इसका फैट टायर है अपना, तो इसकी लुक जो है बाइक जैसी आती है बिल्कुल, अपना रोड पर कोई ऐसा नहीं लगेगा कि आप साइकिल या बच्चों की साइकिल चला रहे, कोई इसको 20-25 साल आराम से, 20-25 साल का कोई व्यक्ति भी इसको आराम से चला सकता है साइकिल। आपने जो जिस तरह से इसमें ये सॉकर्स लगाए हैं, तो जैसे गड्ढा वगैरह आएगा तो ये मतलब उसे रिमूव कर देंगे ना सर? सर हम कोशिश कर रहे हैं कि ये सबसे बेस्ट क्वालिटी के सॉकर लगाए अपने, सॉकर आगे या दो पीछे दोनों साइड सॉकर लगेंगे अपने, बेस्ट क्वालिटी इंडियन मेड सॉकर रहेंगे अपने। ये टायर भी आप देख सकते हो रैलसन का हम टायर लगाएंगे अपना, क्वालिटी टायर लगाएंगे अपना, इंडियन प्रोडक्ट, इंडियन सारे प्रोडक्ट लगाएंगे हम अपना इसमें जितने भी मैक्सिमम हो सकते हैं। बाकी बात रही बैटरी की, तो बैटरी हम बैटरी की लाइन में करीबन 5 साल से है अपना, बैटरी मशीनरी में, तो हम कोशिश ये करते हैं बैटरी में ऐसा कुछ दिया जाए कि बैटरी 5-10 साल भी कभी ख़राब ना हो, बाकी 3 साल की पूरी वारंटी रहेगी। बैटरी कौन सी सर इसके अंदर? सर बैटरी क्योंकि इसमें साइकिल है अपना, जगह कम रहती है, तो हम इसमें NMC सेल यूज़ करेंगे अपना, लिथियम आयन सेल 18650 जी। अच्छा सर, इसके अंदर जो मोटर आपने यूज़ किया है तो मोटर कितने वाट की है? सर मोटर हम हैवी यूज़ करेंगे, 350 वाट में रहेगी मोटर, 36 एंड 24 वोल्ट में जी। अच्छा, और क्या सुविधा दे रखी है? जैसे आपने पीछे की एक लाइट दे रखी है, ये सर हम आगे और पीछे दोनों साइड लाइट देंगे, इसमें हॉर्न देंगे अपना, इंडिकेटर भी देने की कोशिश पूरी करेंगे हम अपनी। अच्छा, मोड भी दे रखे हैं सर इसमें कुछ, या एक मतलब समानांतर एक ही ये स्पीड में जाएगी? सर हम इसमें ऑटोमेटिक मोड दे रखा है, जैसे आप स्टार्ट करते हैं तो उसका स्लो स्पीड से आपका फास्ट स्पीड पकड़ेगी अपना, 25 तक मैक्सिमम स्पीड रहेगी एज़ पर गवर्नमेंट रूल्स अपना। इसको रोड पर चलाते हुए बिल्कुल 25 की स्पीड आप अचीव कर सकते हैं इसमें, और जो रेंज की बात है वो दो मॉडल निकलेंगे, 25 किलोमीटर के मिनिमम हम रेंज देंगे, मैक्सिमम 50 किलोमीटर जी। अच्छा, अब ये और बताएं कि इसका प्रोडक्शन कब से स्टार्ट होगा? सर बिल्कुल इसका प्रोडक्शन जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा, आपको जनवरी में मार्केट में दिखने को मिल जाएगी ये साइकिल बिल्कुल,
अपना बेस्ट क्वालिटी में है, अपना लुक अच्छी है इसकी मेन। कंपनी का नाम क्या रखा सर आपने? सर इसका SBM इलेक्ट्रिक हम कंपनी का नाम रख रहे हैं इसका। अच्छा, कोई वेबसाइट बना ली अपनी कंपनी के नाम बनाई? सर अभी जनवरी में हमारी वेबसाइट पूरा प्रोडक्ट आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा। अभी को कॉन्टैक्ट नंबर बता दें सर, जिससे लोग आपसे संपर्क कर सकें, इसकी जानकारी ले सकें। बिल्कुल सर, आप इंटरनेट पे लिखेगा SBM इंजीनियर्स तो उस पे हमारी डिटेल्स आएगी। कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा 8810479751। जी जी। अच्छा सर, जब ये आप लॉन्च करेंगे इसे, तो उस समय जैसा आपने बताया था कि जनवरी से इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, तो लगभग कब तक मार्केट में आ सकती है, अंदाज है कुछ ऐसा? सर जनवरी में हम इसका सेल स्टार्ट कर देंगे। प्रोडक्शन तो हमारा धीरे धीरे आज से ही स्टार्ट हो रहा है, अपना स्टार्ट ही है प्रोडक्शन, तो जनवरी में हम मार्केट में पूरी टेस्टिंग कंप्लीट होकर इसको मार्केट में निकालें।